अब संतों ने भी भाजपा के खिलाफ जन जागरण अभियान शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश के कंप्यूटर बाबा निकले हैं इस जन जागरण अभियान में भारतीय जनता पार्टी की हकीकत बयान करने और कांग्रेसियों से कर रहे हैं साथ आने की अपील के लिए कहा। और अब मोदी सरकार पर भी संतों ने निशाना साधा है। संतों ने मोदी सरकार पर हमला किया और कहा कि मंदिरों और मठों को गंभीर नुकसान पहुंचा रही है मोदी सरकार। उन्होंने कांग्रेस के बड़े नेताओं को भी संतों को आगे लाने के लिए कहा और कहा कि नैतिकता के आधार पर कांग्रेस बीजेपी से अच्छी है। महामंडलेश्वर नामदेव त्यागी उर्फ कंप्यूटर बाबा एमपी मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री का अखिल भारतीय सर्वधर्म महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के स्टार प्रचारक संत भजनाराम महाराज दसनामा जूना अखाड़ा के ओंकार गिरी महाराज सर्वधर्म महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनीस कांत नेमीचंद अग्रवाल भारतीय कांग्रेस आर्मी जिला महासचिव सुभाष योगी सहित संतों और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान के दौरे पर आए माउंट आबू पहुंचे कंप्यूटर बाबा का माला पहनाकर और ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। कंप्यूटर बाबा ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि भाजपा के शासनकाल में संतों को सम्मान नहीं मिल रहा, मंदिर और मठों का नुकसान किया जा रहा है। वे पत्रकारों से भी रूबरू हुए और कहा कि संत समाज कांग्रेस के साथ है। सिंधिया जब पार्टी छोड़कर गए तब गाड़ियों के विशाल काफिले के साथ सारा संत समाज कांग्रेस के समर्थन में उतरा था। मतलबी लोग जो पार्टी अपने स्वार्थ के लिए बदलते हैं हम उनके खिलाफ हैं। कांग्रेस पार्टी पर उच्च पदों पर बैठे लोगों को भी चाहिए कि संतों का आशीर्वाद ले और भगवे को आगे रखें। हम लोग नैतिकता के आधार पर कांग्रेस को बीजेपी से अच्छा मानते हैं, कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं। बीजेपी संतों का सिर्फ उपयोग करती है और कांग्रेस संतों को मानती है, इसलिए संतों को आगे लेकर बढ़ना चाहिए। राजस्थान में कांग्रेस ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमने यहां आकर देखा तो हमें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने अपने आक्राकर अंदाज में मोदी पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी के राज में संत दुखी है, कहीं उनके मठ मंदिर तोड़े जा रहे हैं तो कहीं अपमानित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस को भी देखना चाहिए। कांग्रेस के स्टार प्रचारक संत भजनाराम ने भी भाजपा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि 28, 29 और 30 ए को समाप्त किया जाना चाहिए। उन्होंने धाराओं की जानकारी देते हुए कहा कि जिस तरह मुस्लिमों के मदरसों में उर्दू पढ़ाई जाती है, इसी प्रकार ईसाइयों के चर्च में बाइबल सरकारी पैसों से पढ़ाई जाती है, मगर हिंदू सनातन संस्कृति का ज्ञान सरकारी खर्चे से नहीं दिया जा सकता, क्योंकि धारा 28, 29 और 30 ए लगी है। अगर हिंदू धर्म को मजबूत करना है तो मोदी सरकार द्वारा इन धाराओं को हटाया जाना चाहिए। गोरक्षा के बारे में भी उन्होंने कहा कि गो माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म मजबूत होगा तो सभी धर्म सुरक्षित हैं, वरना जो हाल अफगानिस्तान का हुआ वह हाल हो सकता है। कंप्यूटर बाबा ने धार्मिक यात्रा के दौरान काबू रोड पहुंचने पर द हिंद होटल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। देवनगरी चंद्रावती के वाला सिस्टम है, हाँ, जब तक काम नहीं है वो तो यूज करते हैं, पानी पियो फेंक दो, ऐसा हम संतों का उपयोग करते हैं, बाहर कर देते हैं। उसी के देखते हम लोग तो दुखित है। मैं तो अपनी पीड़ा बताना चाहता हूँ कि पूरा संत समाज इनके राज में तो दुखी है, बीजेपी के राज में, क्योंकि सारे संतों का कोई किसी के मठ मंदिर तोड़ रहे हैं, किसी की लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, बिजली है तो दो दो 10,000 रुपए बिल आ रहे हैं, हमारे साधु संत कहाँ से लाए, पट्टे नहीं है, पट्टे दिए जाए, पट्टे नहीं है, रेलवे किराया लग रहा है, साधु संतों की फैक्ट्री नहीं है, मतलब साधु संत लोग सोचते थे कि बीजेपी सरकार आएगी तो कुछ अच्छा होगा, और कुछ अच्छा हुआ नहीं, इसलिए चाहते एक बार आप कांग्रेस को देखना चाहते हैं, कांग्रेस आगे आए और हम लोग सपोर्ट करेंगे और निश्चित कुछ अच्छा क्या उद्देश्य है। मुझे बहुत अच्छा लगा गहलोत जी के काम को, उनकी गति को देख करके, और महाराज श्री भजनानंद जी ने हमें बहुत सारे आश्रम हैं, बहुत से मंदिर हैं, बहुत सारे लोगों से मिला है, गांव गांव गए, मुझे लगा कि यहाँ गहलोत सरकार में बहुत अच्छे ढंग से सरकार चल रही है, लोगों को सुख है, दुख नहीं है, और आने वाले समय मुझे लगता है कि यदि कांग्रेस अच्छा कुछ काम करे और हमारे साधु संतों को भजनानंद जैसे महाराज को आगे बढ़ाए, मुझे लगता है बहुत कुछ आगे करना, तो कह रहा हूँ हर प्रदेश में कांग्रेस को संतों को आगे लाना चाहिए, हर प्रदेश में, और राष्ट्रीय स्तर पर भी 10-5 साधु संतों को, अच्छे संतों को राष्ट्रीय स्तर पर भी
जिस प्रकार बीजेपी उपयोग करती है, और ये तो कांग्रेस को दिल से मानती है, वो तो मानते नहीं, वो तो केवल उपयोग करती है। और ये दिल से मानने वालों को भी चाहिए कि अब भगवा को भी आगे करें, हम लोगों को सबको आगे करें, साधु संतों को आगे। इसमें दिखते ही लगे ये भी एक धार्मिक पार्टी है और हिंदू के समर्थन है, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? नहीं, परिवर्तन पार्टी में नहीं है, कुछ आ सकता है? आप जो कहना चाहते हैं, आपने देखा होगा हमारे महाराज सिंह भजनानंद, हम लोगों ने जो कुछ चुनाव हुए थे, सिंधिया जी जब गए थे मध्य प्रदेश से बाहर बीजेपी की तरफ, तो कम से कम 100 गाड़ियों लेकर के, भगवा झंडा लेकर के पूरे संत समाज मैदान में उतरे थे कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए कि नहीं, अब लोकतंत्र को यदि बचाना है तो आपको कांग्रेस को सपोर्ट करना पड़ेगा। ये जो गद्दार हैं जिन्होंने अपने सीट छोड़ करके दूसरे का सहयोग किया था, तो ऐसे में इनको वोट नहीं देना, इसके लिए पूरा संत समाज निकला। तो अब कांग्रेस को चाहिए, जो उच्च पदों में बैठे हैं उनको चाहिए कि भगवा का झंडा जो आगे करके साधु संतों को, बहुत सारे साधु संत भारत में, इतने संत हैं जो कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि नैतिकता के आधार पर हम लोग बीजेपी से अच्छा कांग्रेस को मानते हैं। पर वो उनको भी चाहिए इनका उपयोग करें और साधु संतों का, संतों का उपयोग करें, क्योंकि मुझे लगता है भारत में यदि साधु संत आगे आएंगे तो कांग्रेस हुआ है। वो राजस्थान के लिए बहुत गौरव की बात है, क्योंकि कंप्यूटर बाबा जी पूर्व कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश सरकार में रहे हैं, आपने नदी न्यास का काम किया है, संतों का काम किया है। और मैं तो कहना चाहूंगा कि हम लोग कांग्रेस में बैठे हुए हैं, कंप्यूटर बाबा जी भी कांग्रेस में, मैं भी कांग्रेस में हूँ, लेकिन कांग्रेस में कब तक है? जब तक हिंदू सनातन संस्कृति को मजबूत करने का सपोर्ट अगर कांग्रेस करेगी तो हम कांग्रेस के साथ खड़े हैं, जो भी हमारी संस्कृति को मजबूत करेगा हम उसके साथ हैं। और रही बात है कांग्रेस के अंदर भी एक हिंदू तत्व की धारा हमको स्थापित करनी है, इसलिए मैं कांग्रेस का सपोर्ट करता हूँ, सनातन संस्कृति कैसे मजबूत हो। रही बात है नरेंद्र मोदी जी से ये निवेदन करना चाहूंगा कि 28, 29 और 30 है जो धारा लगा रखी है देश में, उस धारा को समाप्त की जाए। 28, 29, 30 है का मतलब आपको बताना चाहता हूँ, मुसलमान मदरसा के अंदर उर्दू पढ़ा सकता है, क्रिश्चियन बाइबल पढ़ा सकता है, सरकारी पैसों से मदरसा का ज्ञान, बाइबल का ज्ञान दिया जा सकता है, लेकिन हिंदू सनातन संस्कृति का ज्ञान सरकारी पैसे से नहीं दिया जा सकता है। क्यों नहीं दिया जाता है? इसमें यह धारा 28, 29 और 30 है। तो मैं भारत के प्रधानमंत्री से कहना चाहूंगा कि हिंदू धर्म को अगर मजबूत करना है तो 28, 29 और 30 से धारा समाप्त की जाए। और दूसरी बात यह है, गाय के नाम से देश में राज कर रहे हो तो गौ माता को राष्ट्र पशु घोषित किया जाए, इसके लिए हाईकोर्ट ने भी कह दिया है अब तो, गाय को राष्ट्र पशु घोषित किया जाए। और तीसरी बात, सनातन संस्कृति, अगर हिंदू धर्म मजबूत होगा तो सभी धर्म के लोग सुखी है, और हिंदू धर्म कमजोर हुआ तो अफगानिस्तान की स्थिति देख ले, ये पहला प्रयोग है। ठीक है।